पूर्वी बंगाल एक ऐसी धरती जिसने जन्म दिया कई मशहूर संतों एवं सिद्धों को। ऐसे ही संत थे श्री विजय कृष्ण गोस्वामी और उनके शिष्य कुलदानंद ब्रह्मचारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आपका स्वागत है हमारे चैनल आयाम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे कुलदानंद ब्रह्मचारी की। कुलदानंद जी के माता और पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब कुलदानंद जी का जन्म होने वाला था, उन दिनों उनकी माँ को दैवीय शक्तियों के स्वप्न आते। तब उनके पिता कहते कि निश्चित ही हमारे घर किसी सिद्ध आत्मा का जन्म होने वाला है। कुलदानंद जी का जन्म सन 1867 में कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी को हुआ। उनके घर का माहौल काफी धार्मिक था, जहां पर आगंतुकों का बहुत ही सम्मान किया जाता और साथ ही शास्त्रों का पाठ किया जाता एवं ध्यान भजन भी किया जाता। जब कुलदानंद जी की उम्र 5 वर्ष थी, तब उनके पिता का देहांत हो गया। इसके पश्चात कुलदानंद जी के बड़े भाई ने परिवार की जिम्मेदारी संभाली और साथ ही कुलदानंद जी को एक अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाया और इस प्रकार से उनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। कुलदानंद जी को बचपन से ही शास्त्रों से बहुत लगाव था। वे जब भी भजन सुनते या बालक ध्रुव की कहानी सुनते, तब वे अत्यधिक ही भावुक हो जाते। वे अक्सर सोचते रहते कि किस प्रकार से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। वे कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते और बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर सम्मान देते। लालच, हिंसा और झूठ जैसे शब्द तो मानो उनके शब्दकोश में ही नहीं थे और उनका व्यवहार काफी आत्मीयतापूर्ण था। उनके गुरु गोसाई जी से उनकी मुलाकात एक दिन अचानक ही हो गई। कुलदानंद जी खेल रहे थे और तभी किसी ने आकर कहा कि गोसाई जी उनके घर आए हैं। वे दौड़ते हुए गए और उन्होंने देखा कि गोसाई जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। उस दिन के पश्चात कुलदानंद जी अपने मन में गुरु का चिंतन करने लगे। एक दिन उन्हें अपने गुरु का स्वप्न आया और उन्होंने गुरु से स्वप्न में ही दीक्षा देने की प्रार्थना की और फिर एक दिन गोसाई जी ने उन्हें साधना मार्ग में दीक्षित कर दिया। गोसाई जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कुलदानंद जी ने अपनी साधना प्रारंभ कर दी और कठिन तपश्चर्या के कारण उन्होंने साधना मार्ग में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया। एक दिन कुलदानंद जी अपने एक मित्र के घर उनकी मां की शोक सभा में गए हुए थे। तभी उन्हें वहां महसूस हुआ कि उनकी स्वयं की मां की हालत गंभीर है। वो फौरन ही अपने घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनकी मां वाकई में गंभीर रूप से बीमार हैं। वे अपने गुरु से मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे। उसी समय उन्हें यह पता लगा कि उनकी भांजी की भी तबीयत काफी खराब है, जिसे लेने के लिए वे ढाका पहुंचे। ढाका पहुंचकर वे सबसे पहले अपने गुरु से मिलने गए। गुरु ने जब उन्हें देखा तो उनसे पूछा कि तुम्हारे घर पर सब कुछ कैसा है, तुम कैसे हो? और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी मां की तबीयत जल्द ही ठीक हो जाएगी, परंतु तुम्हारी भांजी को दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुलदानंद जी इस बात का मतलब समझ ना सके, परंतु जब वे घर वापस पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी मां की तबीयत तो ठीक हो गई है, परंतु उनकी भांजी इस दुनिया में नहीं रही। इस घटना से वे पूर्णतः आश्चर्यचकित रह गए। वे एक बार फिर से ढाका पहुंचे अपने गुरु के पास। उन दिनों वहां एक धर्म महोत्सव चल रहा था। कुलदानंद जी ने देखा कि उनके गुरु भीड़ के मध्य
भौचक्के से खड़े हैं। उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है और उनकी आंखें टकटकी लगा मानो कुछ निहार रही हों। कुछ देर बाद वे ठहाकों के साथ हंसे और यह घोषणा की कि भगवान शिव, मां जगदात्री, श्री चैतन्य महाप्रभु, महर्षि वाल्मीकि, नारद मुनि, गुरु वशिष्ठ यहां इस समारोह में मौजूद हैं। और इतना कहते कहते वे समाधि में प्रवेश कर गए। कुलदानंद जी के गुरु गोसाई जी को समाधि में यह संदेश प्राप्त हुआ कि वे लोकनाथ ब्रह्मचारी जी से मिलें। लोकनाथ जी एक अत्यधिक ही उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत थे और उस वक्त उनकी उम्र लगभग 150 वर्ष थी। उसी बीच कुलदानंद जी को पता चला कि उनके गुरु की तबीयत काफी खराब है। कुलदानंद जी ने रोज सुबह गुरु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। वे रोज गोसाई जी के गुरु और ईश्वर से प्रार्थना करते और इस प्रकार से प्रार्थना करने के कुछ दिन बाद उन्हें एक दिन खबर मिली कि उनके गुरु स्वस्थ हो गए हैं। कहते हैं कि गोसाई जी के गुरु और लोकनाथ जी ने सूक्ष्म शरीर के द्वारा उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूर्णतः स्वस्थ कर दिया। जब कुलानंद जी मुंगेर में थे तब उन्होंने 3 विशिष्ट स्वप्न देखे। पहला, उन्होंने देखा कि वृक्ष उनसे पानी मांग रहे हैं। दूसरा स्वप्न उन्होंने देखा कि उनके गुरु उन्हें गंगा सागर ले गए हैं। और तीसरा स्वप्न उन्होंने देखा कि गोसाई जी कुलदानंद व अन्य भक्तों के साथ गंगा में स्नान कर रहे हैं। गोसाई जी हर साधक के पास गए और कुछ कहा। उसके बाद वे कुलदानंद के पास आए और उनसे निर्वस्त्र होने के लिए कहा। गोसाई जी ने कई बार उनसे कहा परंतु कुलदानंद जी ने शर्म की वजह से वस्त्र नहीं उतारे। इस स्वप्न के पश्चात जब कुलदानंद जी सोकर उठे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ कि अभी भी वे उस अवस्था तक नहीं पहुंचे हैं जिसमें वे गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकें और बिना कोई सवाल किए गुरु की आज्ञा का पालन कर सकें। गोसाई जी के साधकों में कुलदानंद ही एक ऐसे शिष्य थे जिन्होंने नीलकंठ वेश धारण किया जिसकी वजह से उनके मन में दंभ आ गया था। उन्होंने यह भी सोचा कि गुरु जी मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और जैसे ही यह विचार उनके दिमाग में आया उनके शरीर में दर्द होने लगा और सारे शरीर में जलन की अनुभूति होने लगी। तब उनके गुरु ने उन्हें आदेश दिया कि वे रुद्राक्ष उतार दें और तुलसी माला धारण करें। उनके गुरु ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने वेशभूषा के कारण घमंड करता है तो अच्छे कर्मफलों का नाश होता है। अब कुलदानंद जी बहुत ही कम वार्तालाप करते और अपना अधिकतर समय साधना को ही देते। अपने गुरु के समाधि लेने के पश्चात भी वे निरंतर साधना करते रहे। उन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों पर साधना की और बहुत से सिद्ध पुरुषों से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। कुलदानंद जी कहते थे कि वे आकाश वृत्ति का पालन कर रहे हैं, यानी कि वे हर चीज के लिए पूर्णतया ईश्वर पर निर्भर हैं। वे कहते थे कि हर श्वास में नाम जप किया जाना चाहिए, एक भी श्वास को बिना सिमरन के नहीं जाने देना चाहिए। असली आनंद तो नाम जप में ही है, सिमरन में ही है। आपको अधिकाधिक नाम जप करना चाहिए, इस बात को भुलाकर कि ये आपको क्या लाभ देगी। आपको अपना ध्यान जप पर लगाना चाहिए और साथ ही गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का चुपचाप पालन करते हुए साधना करते रहने चाहिए। जब आप निरंतर जाप से साधना मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहते हैं कुलदानंद जी ने एक बार एक मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दिया था। अपनी साधना के विषय में कुलदानंद जी ने कहा कि अजपा जप साधना का मतलब है श्वास के साथ मंत्र का जाप करना। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावशाली है। इस क्रिया का प्रयास करते करते आप ऐसी स्थिति में चले जाते हैं
जहां आप निरंतर जाप की स्थिति में रहते हैं। सिद्धों की परंपरा में आज इतना ही। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम ये प्रयास करते रहे हैं कि अजपा जप साधना को आप लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि आप भी इससे लाभ उठाकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित कर सकें। सिद्धाश्रम से आई ये साधना एक व्यवहारिक एवं सहज साधना है, जिसके अभ्यास के लिए आपको अपने दैनिक जीवन शैली में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है, और अपनी नियमित दिनचर्या में इसे शामिल कर इसका अभ्यास करते हुए आप आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। अगर आप अजपा जप साधना में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं और इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो के अंत में दिया हुआ है। यदि किसी कारण से इस नंबर पर बात नहीं हो पाती, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, आपको जवाब अवश्य ही दिया जाएगा। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।